देहरादून में सीएम हरीश रावत ने खंड शिक्षा अधिकारी देवाल बच्चू सिंह निषाद को सस्पेंड कर दिया। स्कूल भवन निर्माण में पैसे के लेनदेन का आरोप है। वीडियो क्लिप के जरिए सीएम के सामने मामला आया। सीएम हरीश रावत आज सुबह 10 बजे हरिद्वार जाएंगे, जहां वो संत महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद सीएम पिथौरागढ़ रवाना होंगे, जहां से वे हरीश हमी की पुत्री के विवाह में शामिल। देहरादून में सीएम रावत ने पीएमजीएसवाई के कार्यों में भुगतान पर की गई गड़बड़ी पर 3 अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है। सीएम ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण व्यवस्था और टैक्स शुल्क की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया। इस अवसर पर देहरादून आरटीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में एक बार फिर लोकायुक्त कानून लागू करने का राग छेड़ा, तो वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कहा कि लोकायुक्त कानून बनाने के लिए सभी दलों की राय महत्वपूर्ण है। देहरादून में रावत की जनसंपर्क यात्रा पर प्रकाश पंत ने निशाना साधते हुए कहा कि जब सीएम जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें हवाई घोषणाओं की हकीकत मालूम चल जाएगी। रुद्रपुर में पुलिस ने हाईवे से कई बार अभियान चलाकर बलपूर्वक होर्डिंग्स और यूनिफोर्म्स हटाए हैं, लेकिन खुद पुलिस विभाग ने ही अपनी चौकियों और ऑफिसों पर निजी व्यावसायिक होर्डिंग लगा रहे हैं। देहरादून में एक बेकाबू मर्सिडीज कार ने आधा दर्जन से अधिक वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 युवतियों समेत 8 लोग घायल हुए। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास की पहाड़ियों पर जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। देहरादून में फर्जी आईआरएस को देहरादून को एसएसपी से मिलना महंगा पड़ गया। फिलहाल पुलिस ने राजीव शर्मा नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा में पूर्व विधायक पर हुए हमले के मामले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला दहन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अल्मोड़ा में कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने दौरा किया और कई क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं भी। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के ग्रामीणों का आंदोलन रंग लाया, जहां ग्रामीणों की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से कौड़िया किमसार मार्ग का कार्य शुरू हो गया है, जिससे लोगों में उत्साह है। 82 गांव में कच्चे रास्ते थे। कटीमा में एसएसपी उधम सिंह नगर केवल खुराना के पुलिस कर्मियों को फिट रहने के निर्देश के बाद कटीमा पुलिस कर्मियों ने व्यायामशाला शुरू कर दी। विकासनगर के जौनसार बावर में पीपीपी मोड पर संचालित सहिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों के लिए मुफीद साबित नहीं हो रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर यहां बीमारियों से परेशान लोग दर बदर भटकने को मजबूर। नैनीताल में हाईकोर्ट के चुनाव पर सभा कक्ष में अधिवक्ता प्रत्याशियों के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्याशियों ने अपनी बात लोगों के सामने रखी। बागेश्वर में वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों से अमानवीय व्यवहार की बातें सामने आई हैं, ना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन है और ना ही साफ सफाई का। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कमलेश तिवारी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में सैकड़ों मुस्लिमों ने जुलूस निकालकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार में पीड़ित सौमिल पांडे बैंक में अपने खाते में पैसा जमा कराने गए, जहां 2 लोगों ने खुद को अनपढ़ बताते हुए सौमिल से अपना फॉर्म भरने को कहा, बातों में फंसाकर उसके जेब में रखे 32,000 रुपए लेकर फरार। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर में एक डॉक्टर से पूरे आवासीय कॉलोनी वाले लोग परेशान हैं। डॉक्टर बीपी सिंह पिछले कई महीने से मानसिक रूप से बीमार हैं, जिसके चलते उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पूरे आवासीय परिसर में उत्पात मचा रखा है। और जिले के कई क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए हैं हैंडपंप, पानी तो या हैंडपंप तो लगा दिए गए लेकिन पानी नहीं आने की वजह से शोपीस बनकर रह गए हैं। टिहरी में पेयजल योजना के समय पर ना होने के चलते ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। रुद्रपुर में पेयजल कर्मचारियों ने राजकीयकरण की मांग को लेकर कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया।